स्वागत संबोधन करने के लिए अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे विधि एवं न्याय मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू जी, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, युवा कार्यक्रम खेल राज्य मंत्री और होम डिपार्टमेंट के MOS आदरणीय निशित प्रमाणिक जी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स रवि मित्तल जी, सभी खेल संघों के पदाधिकारीगण, भारतीय पैरालंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट डॉक्टर दीपा मलिक जी, भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अधिकारीगण, खिलाड़ी मित्रों और देश भर से जुड़े हुए खिलाड़ियों के परिजन, भाई और बहनों, मैं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहर्ष स्वागत करता हूं, जिन्होंने हर परिस्थिति में देश का मार्गदर्शन भी किया है और आज विशेष रूप से टोक्यो ओलंपिक्स में जा रहे हमारे पैरालंपिक खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, कोचिंग स्टाफ और स्पोर्ट्स स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने COVID-19 महामारी के बावजूद हमारे खिलाड़ियों को तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके बलबूते हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके निर्देश पर खेल मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया कि हमारे खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जा सके, जिससे उनकी तैयारी अव्वल दर्जे की हो, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सके। भारतीय पैरा एथलीट्स ने दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आपने कई मौकों पर भारत को गौरवान्वित किया है और हर भारतीय का सिर फक्र से ऊंचा किया है। जब से हमने ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में भाग लेना शुरू किया, तब से भारत ने 12 पैरालंपिक पदक अर्जित किए हैं। इस बार भी जैसा आपने देखा कि पहले ओलंपिक्स में 128 कंटिंजेंट सदस्यों का कंटिंजेंट किया था, जो सबसे बड़ा था, 7 मेडल जीते जो आज तक के सबसे बड़े थे। इसी तरह से पैरालंपिक्स में आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट 54 पैरा खिलाड़ियों का जा रहा है, जो 9 पैरा खेलों में भारत को रिप्रेजेंट करेगा। ये विभिन्न पैरा स्पोर्ट्स में भाग लेंगे, जैसा कि पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा कैनोइंग, पैरा पावरलिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा ताइक्वांडो आदि में दुनिया को भारत का दमखम दिखाने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आपके बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले वर्षों में पैरा एथलीट ने पैरा स्पोर्ट्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार अर्जित किए हैं, जिनमें 3 खेल रत्न, 7 पद्मश्री पुरस्कार, 33 अर्जुन पुरस्कार और 5 द्रोणाचार्य पुरस्कार और 4 ध्यानचंद पुरस्कार शामिल हैं। हमारे खिलाड़ियों के पुरस्कारों और उपलब्धियों की सूची सभी भारतीयों के लिए प्रेरणादायक है। हमारे पैरा एथलीट्स का दृढ़ संकल्प उनकी असाधारण मानवीय भावना को दर्शाता है, और जब वो संकल्प लेते हैं और अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता और कोई बाधा चुनौतीपूर्ण नहीं होती। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका खेल के प्रति अभिरुचि और खेलों को बढ़ावा देने में आपका मार्गदर्शन, आपके द्वारा खिलाड़ियों को समय समय पर दिया गया प्रोत्साहन, ये हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। मैंने पिछले कल भी देखा, आपने ओलंपिक से लौटे हमारे सभी खिलाड़ियों को अपने निवास स्थान पर चाय पर बुलाया था। 2 घंटे से ज्यादा समय आपने खिलाड़ियों से बिताया। आपके जाने के बाद खिलाड़ी और भावुक थे और खेल फेडरेशन के लोग ये कह रहे थे कि जिस देश का प्रधानमंत्री इतना समय खिलाड़ियों को, खेल संस्थाओं को देता हो, उस देश के युवा कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। मैं यही कहूंगा कि कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों के दौरान भी आपने खिलाड़ियों का मनोबल गिरने नहीं दिया, बल्कि समय समय पर आपने उनका मार्गदर्शन किया है। और आज भी आप हमारे पैरालंपिक्स के खिलाड़ियों को जाने से पहले प्रोत्साहन देने आए हैं। आपने खिलाड़ियों के लिए चेयर फॉर इंडिया कैंपेन जो लॉन्च किया, उससे पूरे देश भर में जागरूकता भी फैली और देशवासी अपना प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं एकजुट होकर दे रहे थे। देश को पूरा जोड़ने का काम उसमें हुआ, चेयर फॉर इंडिया कैंपेन में भी, और आने के बाद भी ओलंपिक विनर्स को सबको पलकों में बैठाया।
अंत में इतना ही कहता हुआ कि आपका सुदृढ़ मार्गदर्शन और देशवासियों की शुभकामनाएं लेकर हमारे खिलाड़ी पदक जीतने और देश की विजय पताका लहराने में अवश्य सफल होंगे। अंत में पैराथलीट भाइयों बहनों से यही कहना चाहूंगा, दिव्यांग नहीं तुम दिव्यास्त्र हो, है यही सत्य देश ने माना। वो टोक्यो में भारत की जयकार, वही तिरंगा लहराकर आना। एक बार फिर हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी एथलीट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके परिवारजनों को जिन्होंने उनको खेलने के लिए आगे बढ़ाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी की अध्यक्षता डॉक्टर दीपा मलिक जी से संबोधन करने का अनुरोध करता हूं।